खरगोन पुलिस ने बचत योजनाओं के नाम पर करोड़ों की धोखाधड़ी के मामले का पर्दाफाश करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन आरोपियों ने बचत योजनाओं के नाम पर करीब 5 करोड़ रुपए ऐंठे थे। दरअसल 27 मई को कोतवाली थाने में एक महिला ने अपने पति की गुमशुदगी दर्ज कराई थी। महिला ने बताया उसका पति डाक विभाग के एजेंट मोहन का राशि कलेक्शन कर्मचारी है। पुलिस जाँच में पता चला इन दोनों ने डाकघर में अल्प बचत के फर्जी खाते खोलकर करीब 5 करोड़ रुपए की जमा राशि का गबन किया। फिलहाल पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है। ये इसमें एक फरियादिया है, उर्मिला भाई ने आके रिपोर्ट किया था पुलिस थाने में कि उसका पति जो है वो गुमशुदा हो गया है और उसी के साथ साथ जो उसका पति था जगदीश का, उसके विरुद्ध एक दो दिन में कई लोगों ने आकर ये शिकायत की कि वो जो था वो बेसिकली पोस्ट ऑफिस में एजेंट का काम करता था और उनकी सेविंग की जो स्कीम्स थी उसमें पैसा ग्राहकों से लेकर जमा करता था। तो लोगों ने फरियादियों ने आगे ये किया कि शिकायत की थी उसके विरुद्ध में कि उसने पैसा जमा किया लेकिन अब वापस मामले पर दे नहीं रहा है। इसकी जब पुलिस ने जांच की तो पाया कि फरियादियों के पास वो फर्जी थी। इसके आधार पर पुलिस ने एक मामला 427/67/77 के तहत दर्ज किया। पहले वो फरार हो गया था लेकिन फिर उसका पता लगाकर पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी